44 स्पेशल में इस बार हम बात कर रहे हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म में जॉब अपॉर्चुनिटीज की। आंकड़ों की माने तो सिर्फ भारत में ही अगले 10 सालों में 70 लाख लोगों की जरूरत है इस फील्ड में। यानी अगर आप टूरिज्म फील्ड में एंट्री मारने की सोच रहे हैं तो आपका फ्यूचर है ब्राइट। ये प्रोमो है ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म का। ये प्रोमो है मलेशिया टूरिज्म का। अब आप जो प्रोमो देख रहे हैं वो है श्रीलंका टूरिज्म का। हर देश पर्यटकों को लुभाने के लिए इस तरह के प्रोमो बनवाकर अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत भी इस होड़ में पीछे नहीं है, वो भी लगातार दुनिया भर के पर्यटकों को लुभाने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लिहाजा पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी के बाद भी पर्यटन उद्योग में जॉब अपॉर्चुनिटी घटने की बजाय बढ़ी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम के दौरान हजारों ट्रेंड प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। बहुत लोगों की ज़रूरत है, स्पेशली जब इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाली हैं तो एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होल्ड करता है इंडिया में आने वाले सालों में। टूरिज़्म भी हम कह सकते हैं कि इनफैक्ट टूरिज़्म एक हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत एक मेजर इंडस्ट्री होगी। भारत में टूरिज़्म इंडस्ट्री तेज़ी से विकास कर रही है। राजा महाराजाओं के महल के खंडहर टूरिस्टों को लुभा रहे हैं। रेगिस्तान में सरपट भागते ऊँटों की सवारी करने पर्यटक विदेश से आ रहे हैं। डल झील की शिकारों में रात बिताने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। गुलमर्ग और औली में पर्यटक बर्फ के बीच स्कीइंग गेम का मजा ले रहे हैं। राजस्थान का पुष्कर मेला और डेजर्ट फेस्टिवल, खजुराहो और महाबलीपुरम के डांस फेस्टिवल, लद्दाख फेस्टिवल, कर्नाटक का हम्पी उत्सव, उड़ीसा का रथ यात्रा उत्सव, केरल की बोट रेस फेस्टिवल में भी विदेशी शिरकत करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एडवेंचरस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म जैसे नए नए टूरिज्म सामने आ रहे हैं। टूरिज्म बहुत ही वास्ट फील्ड है और अभी नए नए तरह का टूरिज्म देश में डेवलप होते जा रहा है, जैसे कि मेडिकल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा जब बिहार में और साउथ इंडिया में बाढ़ आया, एक नया टाइप का टूरिज्म शुरू हो गया, फ्लड टूरिज्म। लोग जिन्होंने कभी फ्लड देखा नहीं है वो देखने जा रहे हैं कि फ्लड कैसे होता है। दरअसल ट्रेवल एंड टूरिज्म महज मनोरंजन का साधन भर नहीं है, बल्कि इसके जरिए जगह जगह के रीति रिवाजों, इतिहास, रहन सहन और खान पान के तरीकों को पास से देखने और परखने का आपको मौका मिलता है। इसलिए इस फील्ड में उन लोगों की डिमांड बढ़ रही है जो ट्रेंड हो। तो जैसे डॉक्टर स्पेशलाइज हो गए हैं, इसी तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। अब रेलवे, रेल टूरिज्म है, अब हमारी ट्रेन अच्छी होती जा रही है, उनकी मार्केटिंग है। और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको थोड़ी सी नॉलेज बेसिक होनी चाहिए, फिर आप इंटरनेट पे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, खुद ही वेबसाइट बना सकते हैं और उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में फोकस करें, वहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज इस प्रकार हैं: बैचलर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एमए इन टूरिज्म मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स, एयरलाइन टिकटिंग, एयरलाइन ग्राउंड ऑपरेशंस, ग्राउंड सपोर्ट एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, गाइडिंग एंड एस्कॉर्टिंग, कार्गो मैनेजमेंट, एयरपोर्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट।
इस इंस्टीट्यूट में तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्रॉपर एक थोरो एक उनको सिर्फ प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं प्रैक्टिकली भी उनको साउंड किया जाए और जगह जगह पे लेके जाके हमारे बहुत सारे स्टडी टूर्स होते हैं जहाँ प्रैक्टिकली लोग जाते हैं, एक जैसे सूरज कुंड मेला है विजिट्स करवाते हैं नेशनल म्यूजियम में, तो बच्चों को बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है और इंडस्ट्री की भी नॉलेज हम अपने कोर्स में पूरे देते हैं। अगर आप टूरिज्म एंड ट्रेवल फील्ड में जाना चाहते हैं तो इन इंस्टीट्यूट से कोर्स कर सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट नई दिल्ली, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, लखनऊ यूनिवर्सिटी यूपी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली। इंस्टीट्यूट में कोर्स के दौरान स्टूडेंट को टूरिज्म फील्ड की हर वो बारीकियां सिखाई जाती हैं जो उन्हें एक बेहतरीन जॉब दिलाने में मदद करती हैं। हमें बेसिक सबसे पहले तो बताया जाता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री है क्या, एक टूरिस्ट क्या होता है, किस तरह से उसे अगर वो आता है तो हमें किस तरह से उसे सर्व करना है, किस तरह से मैनेज करना है। आपको इंडिया की और वर्ल्ड की सब डेस्टिनेशन के बारे में पता चलता है, कौन सी जगह किस चीज़ के लिए पॉपुलर है। टूरिज्म की डेफिनेशन से शुरुआत होती है और जब तक आप यहाँ से निकलते हैं तब तक यू आर गुड इनफ टू बिकम टूरिज्म प्रोफेशनल, मतलब आप अपनी खुद की कंपनी चला सकते हैं या फिर किसी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं। ट्रेवल और टूरिज्म एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन एंड कस्टम सर्विस, ट्रेवल एजेंसी, एयरलाइंस, टूर मैनेजमेंट और होटल में जॉब की बेहतरीन संभावनाएं हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट और डायरेक्टोरेट के अफसरों का सिलेक्शन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में या सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर रहे लोगों में से किया जाता है। सरकारी संस्थाओं में IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी नौकरी की अच्छी संभावनाएं हैं। Starting from ticketing, travel and ticketing, customer service part of it, then going on to tour escorts, going on to planning, going on to a higher level management, introduction of new products, management, पूरा का पूरा हमारे पास अवेलेबल है। इस फील्ड में आप एयरलाइन कैटरिंग, लॉन्ड्री सर्विस, टूर गाइड, क्रूज लाइन, रिजॉर्ट और ट्रेवल ग्रुप में ट्रेवल एजेंट बनकर अच्छे पैकेज पा सकते हैं। आजकल टूर ऑपरेटर एजेंसियां देश विदेश में टूर प्लान करती हैं। इनके अलावा होटल इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में जॉब की अपॉर्चुनिटी है। ट्रैवल कंपनीज में नहीं, बच्चे चाहें तो एयरपोर्ट में भी काम कर सकते हैं, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ उस कैपेसिटीज में जॉब कर सकते हैं, होटल्स में काम कर सकते हैं रिलेटेड टूरिज्म के स्टूडेंट्स, क्रूजर्स के साथ कर सकते हैं। क्रूज इंडस्ट्री बहुत अपकमिंग इंडस्ट्री है, क्रूज टूरिज्म पे आजकल बहुत थ्रस्ट है, जैसे $70 billion ऑलमोस्ट एक प्रोजेक्ट किया गया है और इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनुअली एवरी ईयर, तो क्रूजर्स में वर्क कर सकते हैं, कार रेंटल कंपनीज में वर्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप घूमने फिरने के शौक को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो टूरिज्म फील्ड में एंट्री मार सकते हैं, साथ ही अपने करियर को दे सकते हैं एक नई ऊंचाई। नौकरी 24 की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली, न्यूज 24।